हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन चिकन फ्राई की बात की जाएगी तो हाजी मोहम्मद हुसैन के JFC यानी जामा मस्जिद फ्राइड चिकन का नाम सबसे ऊपर आएगा। और अगर आपने ये KFC को टक्कर देने वाला जबरदस्त फ्राइड चिकन नहीं खाया तो अभी तक आपने चिकन फ्राई खाया ही नहीं। और रमजान के महीने की एक शाम को इस चिकन फ्राई का लुत्फ लेने हम पहुंच गए जामा मस्जिद। लाहौर में जन्मे मुगलिया सल्तनत के पांचवें शहंशाह शाहजहां ने 1639 में अपनी राजधानी आगरा से बदल के शाहजहानाबाद बनाई, जो आज के दौर का पुरानी दिल्ली है। शाहजहां ने 1656 में तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से बनवाई थी ये हिंदुस्तान की सबसे आलिशान मस्जिदों में से एक, दिल्ली की जामा मस्जिद। इस 261 फीट लंबी और 90 फीट गहरी जामा मस्जिद की मीनारें ही 135 फीट की हैं। और इस लाल सैंडस्टोन और मार्बल वाली जामा मस्जिद में 25,000 से भी ज्यादा तादाद में लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। और रमजान के महीने में इसी जामा मस्जिद के सामने लाखों की तादाद में पुरानी दिल्ली के दस्तरखान का जायका लेने आते हैं। और इसी दस्तरखान का एक नायाब नगीना है ये हाजी मोहम्मद हुसैन का जामा मस्जिद फ्राइड चिकन। और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि साल के 365 दिन यहाँ लाइन लगा के मिलता है कुरकुरा, चटपटा, दहकता हुआ चिकन फ्राई। लीजिए, पहुंच गया मैं हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई पे। मेन रोड की इस चौड़ी सी दुकान पे दो बड़ी बड़ी लोहे की खोलते हुए तेल की कड़ाही में हाजी साहब खुद चिकन फ्राई करने की तैयारी कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देख ये कम मुस्कुराने वाले हाजी साहब ने हल्की मुस्कुराहट से मुझे वेलकम किया और बताया कि वो यहाँ 40 साल से खुद इस जगह पे पुश्तैनी रेसिपी से बनाते हैं ये डबल फ्राइड जूसी चिकन फ्राई। कम से कम 40 लोग 6 टेबल्स पे दुकान के अंदर और 20 लोग गरम कड़ाही के सिरे से लाइन में लगे हुए थे और हसरत भरी निगाह से अपनी प्लेट तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सारा नजारा मैं एक पैर पे खड़े होके देख रहा था कि इतने में हाजी साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर चिकन फ्राई बनाने का सारा प्रोसेस दिखाना शुरू किया। पहले अंदर से मैरिनेटेड मुसल्लम मुर्ग मंगाए जो दिखने में फ्रेश चिकन जैसे लग रहे थे। मेरे अंदाजे से तो सिरके और लहसुन के पानी में भिगोए हुए थे। फिर बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में इनके ऊपर डाला नमक और एक परत चढ़ाने भर का बेसन, हल्का पानी का छींटा मार के इस अंदाज में मालिश की कि बेसन की हल्की परत हर हिस्से से लिपट जाए। फिर फौरन एक एक करके गर्म तेल वाली कड़ाही में सिर्फ इतनी देर तक फ्राई किया कि अंदर के सारे जूसेस लॉक हो जाएं और चिकन को ठंडा होने के लिए छन्नी वाली परात में रख दिया। थोड़ी देर में उनके छोटे छोटे पीसेस करके दूसरी कड़ाही में ऑर्डर के हिसाब से दोबारा फ्राई होने के लिए डाल दिए। कड़कड़ाते हुए ये चिकन पीसेस की ऊपरी परत कुरकुरी होने तक देर तक फ्राई किए गए और तैयार होते ही एक फाइबर की प्लेट में सजाकर ऊपर से डाला चाट मसाला और बगल में टपकाई पीली मिर्च की चटनी और थोड़े से लच्छेदार प्याज के साथ हाजी साहब ने बड़े ही फख्र से ये तैयार चिकन फ्राई की गर्मा गर्म प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। मैंने झुलसते हुए लेग पीस को दांतों से नोचते हुए जायका लिया। जबान को छूते ही ऐसा करंट दौड़ा कि पूछिए मत। वाह वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त। इसे कहते हैं चिकन फ्राई। मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा जूसी है ये। जायका ऐसा कि नियत ही नहीं भर रही थी। और पीली मिर्च की ये चटनी जैसी चटनी मैंने आज तक नहीं खाई। सच कहूं, मैंने इससे बेहतर चिकन फ्राई अभी तक तो नहीं खाया। अगर आपने हाजी मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई नहीं खाया तो अभी आपने फ्राइड चिकन खाया ही नहीं।